नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से नमस्कार। सभी बच्चे इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। ये लेक्चर जो है, कल जो हमने लेक्चर किया है उसका सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम ढेर सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो जो टॉपिक का नाम था, कल वाले टॉपिक का नाम मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, आर ए व पहाड़ी जातियों का संघर्ष। ये हमने कुछ कर लिया था। यहां पर मैं ओवरव्यू देता हूं और फिर हम आगे वाला पार्ट करेंगे। हमने आर्य और पहाड़ी जातियों का संघर्ष जब किया तो उसमें कुछ एक चीजें पढ़ी थी। हम प्राग ऐतिहासिक काल में गए थे। वहां पर जातियों का संघर्ष क्यों हुआ करता था। उसके बाद सिंधु सभ्यता काल में आए। फिर हमने वैदिक काल की बात की और इस वैदिक काल में जब हमने पढ़ा तो आर्य लोग मध्य एशिया से भारत की तरफ आए। जब भारत की तरफ आए तो हिंद कुश माउंटेन रेंज को, खैबर दर्रे को पास करते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और हिमाचल प्रदेश में जो अनार्य लोग थे उनके साथ उनका संघर्ष हुआ। ये कहानी हमने अभी तक पढ़ी है। मैंने एक युद्ध का भी विवरण दिया था जो 40 वर्ष तक युद्ध चला और विश्व का सबसे लंबा कार्यकाल जो इस युद्ध का देखने को मिलता है। ये सारी की सारी कहानियां हमने की थी। तो आज जो है वहां से आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए, टॉपिक का नाम यही रहेगा, आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष। आप बोलेंगे कि यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो कल किया था उससे आगे की कहानी आज शुरू होने वाली है। मैंने एक युद्ध का विवरण किया था और युद्ध का जो विवरण किया था, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, युद्ध का विवरण मैंने ये किया था कि एक अनार्य राजा है। अनार्य का मतलब वो आर्यन नहीं है, आर्य नहीं है। दूसरा एक राजा है, आर्य है। जो अनार्य का राजा है वो शांबल है और जो आर्य लोग हैं उनका राजा दिवोदास है। अनार्य लोग कौन थे जिनका राजा शांबर है? तो मैंने बताया था, किन्नर हो गया, किरात हो गया, कोर्ण हो गए। ये कुछ अनार्य लोग हैं जिनका राजा शांबर है। फिर उसके बाद दिवोदास जो आर्य राजा है उनके बीच में एक युद्ध हुआ और युद्ध में दिवोदास जीत जाता है और शांबर के जो 99 फोर्ट थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। ये कहानी यहां तक खत्म हो गई थी। आगे कहानी क्या बनती है थोड़ा सा समझिएगा कि एक अन्य युद्ध की कहानी है जिस युद्ध का नाम है दशरथ युद्ध। इस दशरथ युद्ध की कहानी कुछ इस तरह है। जब दिवोदास की डेथ हो जाती है, या ऐसे मान के चलो दिवोदास का उत्तराधिकारी सुदास है, सुदास इसका बेटा है। दिवोदास जो है आर्य राजा है, ये आर्य है, आर्य राजा है। आर्य राजा दिवोदास के बाद उसका पुत्र सुदास राजा बनता है। आर्य जो है ये सूर्यवंशी है, मैं कल भी बता चुका हूं, तो इसका मतलब दिवोदास भी सूर्यवंशी, इनका गोत्र है ये। इनका क्या है? ये गोत्र है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझनी है। सुदास इसका बेटा है तो ये भी क्या हुआ? सूर्यवंशी हुआ। दिवोदास के राज दरबार में कुछ एक कवि काम करते हैं, राज दरबारी जिनको कहते हैं, राज दरबारी।
उनमें कुछ एक है, मैं नाम लिखने वाला हूं, विश्वामित्र एक ऋषि हुए, लेखक भी हुए विश्वामित्र, रामायण काल में भी हम इनका जिक्र करते हैं विश्वामित्र। उसके बाद वशिष्ठ, ये भी ऋषि हुए जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे, ये इनके राज दरबार में काम करते थे, दिवोदास के राज दरबार में काम करते थे, ऐसा कुछ एक ग्रंथों में लिखा है, कुछ एक किताबों में लिखा है। जब आप ये सारी सारी बातें पर बैठते हैं तो कहानी कहां से शुरू होती है कि जो ये राज दरबार की मैं बातचीत कर रहा हूं, जब राज दरबार की आप बातचीत पर बैठे तो दूसरी साइड जो अनार्य लोग हैं, अनार्य लोग का मतलब जो आर्य नहीं, जो सूर्यवंशी नहीं, अनार्य लोग, और ये अनार्य लोग जो है, ये अनार्य लोग उस वक्त शिवालिक व तराइन या तराई क्षेत्र कहते हैं, तराइन वो क्षेत्र है जो दलदली के क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र को तराइन क्षेत्र कहते हैं, मैदानों के साथ लगने वाला ये क्षेत्र है, उस रीजन में रहते हैं, तराइन रीजन में अनार्य लोग रहते हैं, कुछ एक शिवालिक में रहते हैं। आर्य लोग या ऐसे मान के चलो सुदास जो राजा है, जब सुदास राजा बना तो इसने अपने पिता की जो परंपरा थी, जिस तरीके की सोच उनकी थी अनार्य लोगों को लेकर, उसी सोच को फॉलो किया। ये जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र सलाहकार रहे हैं जो हमारे दिवोदास जी हैं, दिवोदास के ये सलाहकार रहे हैं, इनको भी सलाह देते थे और सुदास को भी सलाह दे रहे हैं, पर इनकी एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये अनार्य लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उनके साथ ऊंच नीच जो की जा रही थी, उस ऊंच नीच के एंटी थे, उसमें इनका विश्वास नहीं था। सीधी सादी बात बोलूं तो अनटचेबिलिटी जो अभी आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर रखा है, वो उसको सपोर्ट करते थे। उस जमाने की बातचीत करें जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जिस जमाने की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो ये अच्छे से क्लियर होगी बात। तो विश्वामित्र ने सुदास को समझाया कि आपको ये जो अनार्य लोग हैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर सुदास नहीं मानते, और विश्वामित्र यहां से उठकर इनके पास चले जाते हैं, इनका इनके सहयोगी बन जाते हैं विश्वामित्र, इन लोगों के अनार्य लोग। अब मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति जो पहले आपका दोस्त था और उसको यह भी पता है कि आप जो है इन इन क्षेत्रों में गलत है और आपको छोड़कर चला जाए, तो आपके मन में उसके प्रति घृणा या द्वेष भरेगा कि नहीं भरेगा? जी हाँ, बिल्कुल भरता है, एक नेचुरल फिनोमेना है, और ऐसा ही सुदास के साथ। सुदास को फिर विश्वामित्र ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अनार्य लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, इक्वल बिहेवियर किया जाए, पर ये ऐसा नहीं करते हैं, और इस वजह से एक युद्ध होता है जिसे नाम दिया जाता है दशरथ युद्ध। देखिए यहां से देखिए, अब आइए आपको कहानी अच्छे से क्लियर होगी। दशरथ के युद्ध में दो कम्युनिटी है, एक साइड जो है आर्य राजा सुदास है, आर्य राजा सुदास, और दूसरी साइड अनार्य लोग, जो अनार्य राजा या अनार्य लोग हैं उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं विश्वामित्र कर रहे हैं, और इनका सपोर्ट जो कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि जो है इनका सपोर्ट कर रहे हैं, वशिष्ठ ऋषि इनका सपोर्ट कर रहे हैं, किनका? राजा सुदास का। हम आगे पढ़ेंगे ये वशिष्ठ ऋषि कौन है। ये वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के कुल पुरोहित, मैं अभी थोड़े टाइम पहले आपको बता चुका हूं, पर मिला जुला कर विश्वामित्र और जो ये राजा सुदास है इनके बीच में, और जो इस जो ये मतलब दस राज्य युद्ध है, यहां पर टोटल राजाओं की संख्या 10 है, 10 राजा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये 10 राजाओं का युद्ध होता है, उसमें विश्वामित्र की हार होती है और राजा सुदास की जीत होती है। ये अच्छे से याद, ये राजा सुदास जीत जाता है, और ये वैदिक टाइम का सबसे माना जाना राजा माना जाता है, वैदिक काल की ये घटना है, वैदिक काल की घटना है, और ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है उसमें इस घटना का विवरण करके रखा है, कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, सोच का ऋग्वेद। अभी आप दशरथ के युद्ध फिर क्लियरली समझ गए होंगे। अब दशरथ के युद्ध जो है इसकी लोकेशन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, पर फिर भी उन्होंने ऋग्वेद में एक बात लिखी है कि जो दशरथ के युद्ध हुआ
वो किस जगह पर हुआ, तो एक नदी का जिक्र किया है, एक नदी का विवरण किया है, थोड़ा समझिएगा। उस नदी को इन्होंने कहा है पुरुषणी, और ये पुरुषणी कोई और नदी नहीं है, रावी का वैदिक नाम है, रावी का वैदिक, जिसको रौती भी कहते हैं, लोकल नेम है, इसको इरावती भी कहते हैं, संस्कृत नेम है। उस नदी के आस पड़ोस में हुआ है, कौन सा युग, दशरथ युग। आई थिंक आप अच्छे से समझिए। अब ये जो नॉन आर्यन या जिनको अनार्य लोग कह रहे हैं हम, अनार्य लोग जो उस वक्त शिवालिक क्षेत्र में थे, कुछ एक तराई में थे, ये जब दिवोदास और शांबर के बीच में युद्ध हुआ था, उस वक्त शांबर की हार के बाद दिवोदास ने जो धन संपन्न क्षेत्र थे या जो सोर्स के सोर्स वाइज एनरिच क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, और वहां से जो ये अनारी लोग थे वो हिली एरियाज या पहाड़ी क्षेत्र की तरफ आ गए थे और अलग अलग क्षेत्र में बसे हैं, यहां तक कि कुछ एक क्षेत्र हिमाचल के भी आते हैं, जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर के कुछ एक क्षेत्र, जहां पर ये अनारी लोग आपको देखने को मिलते हैं, अभी भी है, उस वक्त भी थे, पहले ये किसी अन्य क्षेत्र शिवालिक के फुट हिल में ये लोग रहते थे। ये कहानी तो क्लियर हो गई। अब जब ये दशरथ के युद्ध हुआ तो कुछ एक जो अनारी लोग यहां पर बसे थे, कुछ एक बचे थे और कुछ एक और बसे जो बसे थे इस रीजन के आस पड़ोस में, वो भी डर के मारे पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भागे और उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र में अपना आवास या निवास ढूंढा। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगी बात कि जो आर्यों का पहाड़ी जातियों के साथ संघर्ष कैसे हुआ। ये जब आपके पास सारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो आपको अच्छे से समझ जाना है कि एक दशरथ युद्ध है, उसके माध्यम से कैसे हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी जन थे उनमें जो अनार्य लोग रहते थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये शिवालिक क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो किस तरफ डाइवर्ट हुए, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही जब ये घटना हो जाती है तो एक राजा है, उनका नाम ययाति है, ययाति, ये ययाति राजा भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ययाति राजा ने एक वंश की स्थापना की है, वंश, और उस वंश का नाम है पुरु, पुरु वंश। अगर आपसे पूछा जाए पुरुवंश के संस्थापक कौन है, ययाति, वैदिक काल के समय की ही बातचीत है, उसको ही मैं आपके सामने कह रहा हूं। ये वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में ऐसा वर्णन करके रखा है कि ययाति वंश के संस्थापक पुरु थे, मतलब जो ययाति राजा थे उन्होंने पुरुवंश की स्थापना की, और पुरुवंश जो जिस नदी के आस पड़ोस में था वो नदी थी सरस्वती। सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो चुकी है, अभी इसका अस्तित्व जो है हमें नहीं देखने को मिलता है, पर अगर आप वैदिक काल में जाएं या वेद को पढ़ें तो उस दौरान इस नदी को सबसे पवित्रम नदी, या हम होलिस्ट बोलें या फिर हम प्यूरिस्ट बोलें, इस नदी को माना गया है। तो वैदिक काल में जो पवित्रम नदी है वो कौन सी है, वो आपकी सरस्वती है, और इसे उस मतलब जो वेद में सरस्वती को इस नाम से पुकारा गया, नदी तमाम, नदी तमाम, देखिए नदी तमाम, नदी तमाम। और माना जाता है जो पुरुवंश था कहीं ना कहीं वर्तमान हरियाणा के आस पड़ोस में कहीं देखने को मिलता था। क्या बात की हुई कि नहीं, एक बार बताइए, कोई दिक्कत होनी, क्लियरली सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं। अब जो नेक्स्ट कहानी है, जब आप आर्य व पहाड़ी जातियों का संघर्ष पर बैठे तो एक चीज और आपने यहां से समझनी है, और वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आर्यों के समकालीन, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, अब लिखता हूं। आर्यों के समकालीन हिमाचल प्रदेश में रहने वाले ऋषियों के आश्रम, इस बात को अच्छे से याद रखना है। कुछ एक ऋषियों के नाम लिख रहा हूं और उनका फिर आगे जो है जहां पर आश्रम था हिमाचल प्रदेश में उसकी बातचीत करने वाला, देखिए कैसे।
पहले ऋषि का नाम लिखने वाला हूं वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम कहां पर था? कुल्लू, आप सभी को पता है। उसके बाद जमदग्नी, और ये वशिष्ठ ऋषि वही वशिष्ठ ऋषि है जो रामायण काल के राजा दशरथ के कुल पुरोहित भी रहे, और हम ऋग्वेदी काल में इसे आर्य और अनार्यों का जो युद्ध होता है, दशरथ के युद्ध जिसको कहते हैं, ऋग्वेद में जिसका विवरण करके रखा है, उस वक्त इस सुदास का साथ भी देते हैं। ये अच्छे से याद। चलिए, जमदग्नि, ये जमदग्नि ऋषि जो है इनका संबंध सिरमौर से जोड़ा जाता है, एक इनका संबंध कुल्लू से भी जोड़ा जाता है, और इनका एक अन्य नाम इनको जमदग्नि उर्फ जमालू भी कहते हैं। ये भी चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है, जमदग्नि उर्फ जमालू। आपके पास ये कहानी अच्छे से आ गई है कि जमालू कुल्लू और जो जमदग्नि है उस सिरमौर से इनका संबंध जोड़ा जाता है। मिला जुला कर जब आप इन बातों को देखें तो जो जमदग्नि ऋषि है वो पिता है परशुराम के, पिता किसके हैं? परशुराम के, और पति किसके हैं? रेणुका के। अभी यहां से ये चीज भी आपने समझनी है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट जो ऋषि है उन ऋषि की जो बातचीत करेंगे जिनका आश्रम हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, मांडवी। मांडवी ऋषि, मांडवी ऋषि का संबंध मंडी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? मंडी से जोड़ा जाता है, मंडी से। तो मांडवी ऋषि का संबंध मंडी से जोड़ा जाता है। मंडी का नाम मंडी जो पड़ा मांडवी ऋषि की वजह से पड़ा है। यह चीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट जो आपको याद रखने वाली बात है, मनु। मनु भी एक ऋषि हुए हैं, मनाली में उनका मंदिर भी है, जो आश्रम भी वहां पर है मनाली में, मनु का मंदिर भी है आश्रम भी है, तो मनु का संबंध मनाली से जोड़ा जाता है। एक अन्य ऋषि यहां आए हैं अगस्त्य, 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 इनका संबंध मंडी से जोड़ा गया है। इससे जोड़ा गया है मंडी से। तो मिलाजुला कर हमने देखा कि आर्यों के समकालीन हिमाचल प्रदेश में रहने वाले ऋषियों के आश्रम कहां कहां पर थे, और एक आध क्वेश्चन यहां से जरूर रहता है। आप मुझे एक बार बता दीजिए क्या सभी को अच्छे से क्लियर हुई सारी की सारी बातें? अगर क्लियर हुई तो इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो अच्छे से इसको देखिएगा, अगर कोई सजेशन सुझाव हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोई डाउट हुआ उसको भी लिखिएगा, और इसके साथ ही अगर आप बच्चे पेड क्लासेस में आना चाहते हैं तो कुछ एक मैंने कोर्सेज लॉन्च करके रखे हैं, उसमें आप जरूर एनरोलमेंट कीजिएगा, उससे आपको काफी फायदा होगा। पहला प्लान मैं आपके सामने रखने वाला हूं, ₹150 में कैसे आप चार क्लास पाए, चार कक्षाएं कैसे मिलेगी, तो कौन कौन सी क्लास से मिलेंगी पहले ये देख लो, एचपी जीके, जीएस, इंग्लिश और हिंदी, ये चार क्लासें आपको 150 में मिलेगी। किन किन जनों के लिए, किन किन लोगों के, इन बच्चों के लिए है? तो जो बीपीएल फैमिली के हैं